महामारी की इस लहर ने दिल्ली की हेल्थ सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। राजधानी में तमाम संघर्ष करने के बाद न तो अस्पताल में बेड मिल रहा है और न ही ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पा रही है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर बेड खाली होने का दावा है, लेकिन जमीन पर किसी मरीज को बेड पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और अगर बेड मिल भी जाए तो ये निश्चित नहीं है कि आपको इलाज मिलेगा। ऐसे में अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग उठने लगी है। दिल्ली में महामारी के विकराल रूप से हजारों जाने चली गईं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तनावपूर्ण हालात के बीच सक्रिय मरीजों की संख्या 98,000 के पार जा पहुंची है। ध्वस्त हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच न सिर्फ आम लोगों के बीच हताशा है, बल्कि अब आम आदमी पार्टी के विधायक भी हताश और निराश है। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने हाथ से निकल चुके हालात को देखते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई। शोएब इकबाल दिल्ली की मटिया महल विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने कोरोना के कारण तनावपूर्ण होते हालात को देखते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने दिल्ली में फैल रही अव्यवस्था को देखते हुए हाईकोर्ट से अपील की है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। विधायक को इस बात की शिकायत है कि दिल्ली में मरीजों को न तो दवा मिल रही है, न ऑक्सीजन, लोग मर रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। शोएब इकबाल का कहना है कि मुझे दुख है कि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 6 बार से विधायक हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं। शोएब इकबाल ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश दे, वरना यहाँ की सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। शोएब इकबाल का कहना है कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है, अगर केंद्र के हाथ में सब कुछ आएगा तो काम हो सकेगा, इसलिए दिल्ली में 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। हर दिन महामारी से मरीजों की मौत में इजाफा हो रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लोग मर रहे हैं, सक्रिय मरीजों की संख्या 98,000 के पार है। बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली प्रशासित आम आदमी पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर फूटने लगे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट है।